मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर प्लांट्स के बारे में आज आपको बताऊंगी। ऑल द प्लांट्स, सभी प्लांट जो है वो प्लांट किंगडम में गिना जाते हैं, और इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्लांट्स ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें, और सेल वॉल मटेरियल जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये बनाने की क्षमता इनमें होती है प्लांट्स में। प्लांट्स को कुल मिलाकर तीन सिस्टम्स है जिनके द्वारा क्लासिफाई किया गया है। पहला सिस्टम जो लीनियस ने दिया था, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, नंबर ऑफ स्टेमल्स, कार्पल्स एंड देयर यूनियन और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर के आधार पर 25 क्लासेस में लीनियस ने डिवाइड किया। उसमें से एक क्लास को क्रिप्टोगैमिया का नाम दिया गया। उस क्रिप्टोगैमिया में फोर ऑर्डर्स होते हैं, फिलिसीज जिनको टेरिडोफाइट्स कहा जाता है, मसाई जिसमें कि मॉसेस एंड लीफी लीवरवर्ट्स आते हैं, एल्गी जिसमें एल्गी लाइकेंस एंड थैलोज लीवरवर्ट्स, और उसके बाद फंजाई को रखा। दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो ALD दिसाओ द्वारा दिया गया, इन्होंने इसमें तीन मेजर ग्रुप्स बनाए, एक कोटिलिडन्स जिसमें कि जो क्रिप्टोगैमिया जिनको लीनियस ने नाम दिया था उन पौधों को इसमें शामिल किया गया, उसके अलावा मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स दो ग्रुप बनाए। तीसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको AW Eichler ने दिया था। उनके अनुसार प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स में बांटा गया, क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी। ये है विस्तृत व्याख्या है प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की, जिसमें कि क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी दो सब किंगडम्स हैं। क्रिप्टोगैमी सब किंगडम में तीन डिविजन्स हैं, थैलोफाइटा सब डिवीजन में दो सब डिवीजन्स हैं, एल्गी एंड फंजाई। सेकेंड डिवीजन इज ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो डिवीज़न है वो टेरिडोफाइटा है। सब किंगडम फिनेरोगैमी में फर्स्ट डिवीजन जो है वो जिम्नोस्पर्म्स के हैं, और दूसरा डिवीजन एंजियोस्पर्मी का है। सेकेंड डिवीजन में एंजियोस्पर्मी में दो क्लासेस दिए गए, मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी। सब किंगडम क्रिप्टोगैमिया, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं, दे आर लोअर प्लांट्स जिसमें कि फ्लावरिंग नहीं होती, दे आर सीडलेस, उसमें फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स नहीं पाया जाता, इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, और इस सब किंगडम को तीन डिविजन्स में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा डिवीजन जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव है एंड लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगैम्स। इसमें प्लांट बॉडी जो थैलॉयड होती है, थैलॉयड का मतलब है कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड इस तरह के प्लांट बॉडी को थैलस या थैलॉयड कहते हैं। प्लांट की जो बॉडी होती है या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकती है। थैलोफाइटा डिवीजन को दो डिवीजन में बांटा गया है, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी फर्स्ट सब डिवीजन इज एल्गी। एल्गी के मुख्य लक्षण है दे आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर थैलॉयड होता है जिसमें कि रूट, स्टेम एंड लीव्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। इनके हैबिट्स मोस्टली एक्वेटिक होती है, और ये इसके अलावा मॉस, स्टोन्स, सॉयल्स एंड वुड पे भी पाए जाते हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स इनके यूनिसेलुलर होते हैं, और इनमें स्टेराइल जैकेट जो सेल्स होती हैं वो नहीं पाई जाती। ये इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, एग्जांपल क्लोरेला एंड स्पायरोगायरा। सेकंड सब डिवीजन इज फंजाई। फंजाई आर ए क्लोरोफिलस, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ये ज़्यादातर सेप्रोफाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं, और एल्गी के साथ लाइकेंस के में सिम्बायोसिस होती है इनमें। सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, मोस्टली सेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है। सम फंजाई वो रूट नोडुल्स बनाते हैं एंड माइकोराइजल एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं, एग्जाम्पल्स ईस्ट, राइजोपस एंड एगेरिकस। सेकेंड डिवीजन इज ब्रायोफाइटा, इनको ब्रायोफाइट्स भी कहा जाता है। ये भी क्लोरोफिलस होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक होते हैं। एम्ब्रियोफिट कहने का मतलब है कि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। दे आर ए ट्रैकियोफाइट्स, मतलब इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, इसलिए क्रिप्टोगैम्स में रखे जाते हैं। सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स होते हैं, इनको प्लांट के एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। प्लांट की जो बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक फेज को दर्शाती है। इस डिवीजन को तीन क्लासेस में बांटा गया है, हिपेटिकोपसाइडा जिसमें लीवरवर्ट्स, रिक्सिया एंड मार्गेंशिया आते हैं। दूसरा क्लास है एंथोसिरोपसाइडा जिसमें एंथोसिरोस एंड आते हैं, और तीसरा क्लास जो है ब्रायोपसाइडा जिसमें कि मॉसेस एंड फ्यूनेरिया आते हैं। थर्ड डिवीजन इज टेरिडोफाइटा, जिन्हें टेरिडोफाइट्स भी कहते हैं।
ये मोस्ट एडवांस क्रिप्टोग्राम्स हैं और दे आर वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स. इसमें इसलिए इनको ट्रैकियोफाइटिक क्रिप्टोग्राम्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका होता है. दे आर क्लोरोफिलस, इनमें क्लोरोफाइल्स पाए जाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाते हैं. प्लांट की जो बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफाइट होते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं. प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. टेरिडोफाइट्स को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है. साइलोपसाइडा, इसका एग्जाम्पल है साइलोटम. दूसरा है लाइकोपसाइडा, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम. तीसरा स्फिनोपसाइडा, इसका एग्जाम्पल है एक्विसिटम. एंड टेरिडोपसाइडा एग्जाम्पल है टेरिस एंड ड्रायोपटेरिस. सब किंगडम फिनेरोगैमी, जिनको हम फिनेरोगैम्स भी कहते हैं, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स. ये ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, इसका मतलब इसमें वेस्कुलर बंडल पूर्ण विकसित होता है. प्लांट बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट्स, स्टेम, लीव्स में. दिस सब किंगडम इज ओनली डिवाइडेड इंटू टू डिविजन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. इस प्लांट ग्रुप को हायर प्लांट्स भी कहा जाता है. फर्स्ट डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, जिनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं. जिम्नोस्पर्म्स आर फिनेरोगैम्स, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. स्पर्मेटोफाइट्स विदाउट ओवरी एंड फ्रूट, इसमें ओवरी और फ्रूट्स नहीं पाया जाता. सीड्स आर नेकेड विदाउट फ्रूट वॉल, विकसित नहीं होते इनमें फूल, इसलिए सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं साइकस, पाइनस एंड नीटम. सेकेंड डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी, जिनको एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है. दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें कि सीड्स आर इनक्लोज विद इन द फ्रूट्स. सीड्स जो होते हैं वो फलों के अंदर विकसित होते हैं. डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस. फर्स्ट क्लास इज डाइकोटिलेडॉन्स, इसमें दो कोटिलेडॉन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है मैंगो एंड रोज. दूसरा क्लास है मोनोकोटिलेडॉन्स, दे हैव ओनली वन कोटिलेडॉन, एक कोटिलेडॉन पाया जाता है. एंड देयर सीड्स एग्जाम्पल मेज, सॉर्गम एक्सेट्रा. थैंक यू.